तस्नीत न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चलो मिलते हैं। एक मिनट, एक दादा बताया, अभी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र आए थे, कितने पैसे आपने निकाले और शायद वो चोरी हो चुका है, आप ऐसा बता रहे हैं? 15,000 रुपये निकाला मैंने और मैं वो काउंटर पे जाने काउंटर मेरी ठेली में से रखे हुए थे, कैसे निकल गया है? कहाँ से आए थे आप? इटावा से। इटावा से तो कोई ऐसा कुछ लगा था कि आपको वहाँ पे रास्ते में कोई मेला वेला दिख रही? कहीं ऐसे कोई अंदाज नहीं है। काय के पैसे थे ये? पैसे निकाले थे वो कोई काम है अपने को काम करने के लिए। कितने पैसे निकाले थे? 15,000। और कैसे निकाले, निकाले किसने पैसे, कुछ दिख रहा आपको? कैसा पैसे कैसे निकले? जिसमें थैली में से? हाँ थैली में, ध्यान नहीं है, मेरा हाथ में थैली थी ये। अब ये कहा किस तरीके से निकले, बाकी ये प्लेट लगी हुई है। प्लेट लगी हुई? हाँ। अच्छा आप आए और आपने पैसे निकाले, उसके बाद क्या कर रहे थे? थैली में रख लिया और उधर गया, एंट्री कराई और वो मोबाइल नंबर एक्ट करवा रहा था, तो बाद में वो फॉर्म भरने गया तो थैली में पैसे ही। कितने कितने के नोट थे? 10,000 को 500 रुपये था और 5,000 5,500 रुपये था, 5,500 रुपये के 50-50 के। पचास पचास के 5,000 थे और हाँ 10,000 रुपये 5,500 रुपये 15,000। बालूराम कहाँ रहते हैं? इटावा। बैंक में चोरी का कुछ मामला था, क्या कुछ मामला था सर? एक व्यक्ति ने अभी आवेदन दिया है कि बैंक में 15,000 रुपये निकालने गया था, उसने 15,000 रुपये निकाले थे, पैसे जेब में ना रखते हुए थैली में रख लिए थे, थैली लटक रही थी उसकी। कोई महिला ग्राहक बन के आई थी जो उसके पीछे लाइन में लगी हुई थी और उससे टच हो गई थी वो महिला, और फिर इसने बाद में देखा तो इसकी जो थैली ही कपड़े थी उसमें कटा हुआ था निशान था, जो नाइफ से कटा हुआ, उसके 15,000 रुपये नहीं थे। उसने आवेदन दिया, हम फुटेज देख रहे हैं और उसकी महिला की पहचान कर। कहाँ का व्यक्ति सर? व्यक्ति देवास के निवासी। अच्छा, कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ लगा सर? फुटेज में किसी महिला जो है वो संभवतः कोई के निश्चित कोई गांव की रहने वाली हो सकती है, उस संबंध में हम जांच कर रहे हैं, उसके फुटेज के आधार पर उसको पहचान की जाएगी। आपका नाम सर? पवन यादव, कोतवाली निवासी।